कॉमेडी की अपने अंदाज में, जैसे कि आपको पता है कोलकाता में गुलाबसा छाई हुई है, तो बस उसी का फायदा उठा रहे हैं। और आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ आइए, ZI लॉन्च कमाल का डेकोरेशन है और यहाँ पर आपको कोलकाता का इन्फ्लुएंसर आता रहता है। बहुत सारे कैफे में ऐसा नहीं है, लेकिन जफर जो अभी तो आप देख रहे हैं, जो टीवी में जो मीडिया वाले लोग हैं पूरा बिग गया है, तो बस इन लोग को फॉलो कीजिए, ये लोग आपको सही खबर पहुँचाएंगे। इन लोग को ही देखिए, वो सब बन गई। बहुत लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग मत करो, क्रिएटर बनो ज्यादा। काम करके कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया अभी कोलकाता में, तो उन सब से फोकस हटा के आप हम लोगों का वीडियो देखिए, या फिर हम लोग का तेरे बनने का कोशिश। बेवजह किसी को प्यार करना, बहुत दिल से करना, ये बहुत अच्छा लगता है, ये सच्चा प्यार होता है। और गाना उनको मेरा भी पसंद आता है, और मेरा काम यही है कि हम ऐसे ही अपने गाने के थ्रू और भी जनता बनाए। बहुत पहले सिर्फ मुंबई के लोग स्टार बनते थे, लेकिन अब कोलकाता के नौजवान भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस का प्यार आज इनके साथ है। इसी कड़ी में कोलकाता के पार्क सर्कस अंतर्गत जी लाउंज कैफे एंड रेस्टोरेंट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने गेट टुगेदर प्रोग्राम किया, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर शामिल हुए। खास तौर से सेमी ऑन द माइक के नाम मशहूर सिंगर भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए लोग बेताब थे। यहां इन्होंने अपने गाने से सबका दिल जीत लिया। उनके अलावा अपने कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले इमरान नज़ीर और समीर अंसारी भी वहां मौजूद थे। सभी इन्फ्लुएंसर्स ने इस गेट टुगेदर प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने फैंस की वजह से हैं। आप सब हम पर प्यार बरसाते रहिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार कॉन्टेंट लाते रहेंगे। आइए सुनते हैं। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको कि एल्बम अभी हम डाले हैं और बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस जा रहा है, तो थैंक्स टू गॉड टचवुड कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हर गाने पे। बस और बहुत बहुत सारे गानों के आपके बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग फैन हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सबको? शुक्रिया करना चाहेंगे, और बेवजह किसी को प्यार करना, बहुत दिल से करना, ये बहुत अच्छा लगता है, ये सच्चा प्यार होता है। और गाना उनको मेरा भी पसंद आता है, और मेरा काम यही है कि हम ऐसे ही अपने गाने के थ्रू और भी जनता बनाए। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और क्या, अपना स्टाइल ही यही है, और ये स्टाइल को इंसान पसंद कर रहा है, कोलकाता स्लैंग को अपना पसंद कर रहा है, और अपना कोलकाता का जो स्लैंग है वो ऑल ओवर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हर जगह में बज रहा है। तो बस जो है ऊपर वाले के करम है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छे से हासिल हुआ। अपने फैंस को क्या कहेंगे? फैंस को शुक्रिया कहेंगे। तो गाइज, यहाँ पर अभी चल रहा था ZI लॉन्च ओनली, ऐसा कैफे जहाँ पर आपको कोलकाता का बहुत सारा इन्फ्लुएंसर मिलेगा, और इनका मेहरबानी है जफर भाई का, जो इनका ओनर है। और यहाँ पर अभी सैमी ऑन द माइक, जिनका आप गाना सुने हैं पापा है वो आए हुए, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा, काफी भीड़ है, काफी क्राउड है, और हम लोग भी यहाँ पर कॉमेडी की अपने अंदाज में, जैसे कि आपको पता है कोलकाता में गुलाबसा छाई हुई है, तो बस उसी का फायदा उठा रहे हैं। और आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ आइए, ZI लॉन्च कमाल का डेकोरेशन है और यहाँ पर आपको कोलकाता का इन्फ्लुएंसर आता रहता है। बहुत सारे कैफे में ऐसा नहीं है, लेकिन जफर भाई यहाँ पर हम लोगों को मौका देते आने का और अपना परफॉर्मेंस करने का। और यहाँ जो अभी सैमी का शो चल रहा है, सैमी भाई का, वो काफी कमाल का, बहुत इंजॉय किया हम लोग और बहुत मजा आया। हमारा जो रिस्पॉन्स आता है, बस हम लोग मेहनत उसी के लिए करते हैं, ताकि हम, अगर हम लोग का ऐसा हो जाता है ना, मतलब हम लोग इतना कनेक्ट हो गए वीडियो से, हम लोग का कोई वीडियो में अगर रीच या फिर व्यू कम आता है तो रात में नींद नहीं आता है, खा नहीं पाते सही से, इतना ज्यादा मतलब उसको फोकस कर लिया। बस हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे। कोलकाता में ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोलकाता में टैलेंट का कमी है। आगे सिर्फ आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर सुपरस्टार मुंबई, दिल्ली, ये सबका देखने को मिलता था, बट अभी कोलकाता में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग आ चुका है और हम लोग भी मार्केट में कॉम्पिटिशन करने के लिए आ चुके हैं। गुलाबसा को कितना कंटेंट बनाने की इतनी मेहनत लगती है? गुलाबसा जब सर में दुपट्टा लेती है तो अदा अपने आप आ ही जाता है, पता नहीं कैसे आता है लेकिन आ जाता है, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं जब हम, मतलब आप लोग को हंसाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी करते हैं, गुलाबसा बनते हैं, लेकिन रास्ता में जब हम अपना फैमिली के साथ जाते हैं या फिर किसी के साथ भी आते हैं, डायरेक्ट वहाँ से आवाज़ देता है गुलाबसा, ये गुलाबसा, बहुत कोई गाली भी दिया ऐसा भी सुनने को, तो हम केयर करते हैं, बट हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आप लोग को हंसाने के लिए कर रहे, ये कंटेंट बना रहे और ये कॉमेडी कर रहे, आप लोग मेरा इसको मतलब अहमियत दे और मेरा मजाक ना उड़ाए। बस आज का इवेंट जो था ZI लॉन्च में सैमी भाई का, बहुत ही शानदार रहा। आज सामी भाई के एनर्जी का बात किया जाए, बहुत ही तगड़ा था, हम लोग भी थोड़ा सा साथ दे दिए एनर्जी का मैटर में। तो बस यही है जनता से, जो अभी ZI लॉन्च कैफे, उसमें हर मंथली आपको कुछ ना कुछ इवेंट देखने को मिलेगा, तो आप लोग भी विजिट करिए, इन्जॉय करिए, और अपना दोस्तों को भी बोलिए ऐसे ही आके इन्जॉय करवे, क्योंकि इन्जॉय भी ज़रूरी है, काम काज भी ज़रूरी है। कॉमेडी का तो क्या बताए, जो अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में हम लोग का क्रेज़ है, कॉमेडी का बहुत अच्छा क्रेज़ है, बाकी आप लोगों को बोलने नहीं पड़ेगा, गुलाबसा का चर्चा तो पूरा कोना कोना तक का है,
बस ऐसे ही आप लोग को हंसाते रहेंगे कॉमेडी करके अल्हम्दुलिल्लाह। इस कॉम्पिटिशन के मार्केट में कितना टफ रहता है आपको अपना कंटेंट बनाना? टफ है अभी क्योंकि जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है, रीच वीच थोड़ा सा डाउन होता है कभी कभार, तो हम लोग का थॉट यही रहता है कुछ नया से नया लाइव पब्लिक को, जैसा वो लोग अट्रैक्ट होते रहे। और हम लोग का कंटेंट जो रहता है ना फैमिली कंटेंट, जिसके वजह से फैमिली लोग बहुत ज़्यादा देखता है और हम लोग को प्यार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ऐसा नहीं हुआ हम लोग का, अभी बाजार डाउन हुआ है ना होना चाहिए, बस ऐसे ही लेवल अप रहेगा तो बहुत अच्छा चलते रहेगा हम लोग। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे नया नया कंटेंट आप लोगों को लाने का, क्योंकि अभी इंसान बहुत सा कोई डिप्रेशन में रहता है, तो हम लोग का मोटिव यही है बस 2-4 सेकंड का रील्स बना के उसका लाइफ में थोड़ा सा हंसी कॉमेडी लेकर आए। बस ऐसे ही हम लोग रील्स देखते रहे और हम लोग का फैंस लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं हम लोग को। आज के इवेंट बहुत ही मज़ा आया मेरे को कि सामी भाई बहुत दिन बाद एक लाइव परफॉर्मेंस किया अपना, लास्ट टाइम किए थे हम लोगों का जो इनका एनिवर्सरी था 1 ईयर का, उसके बाद मज़ा आया लाइव परफॉर्मेंस हुआ। ग्लप्सा भाई ग्लप्सा बाजी ने डांस किया इतना अच्छा, हम लोग बहुत देखे, हम लोग इन्जॉय किए और उसके साथ अभी बस इन्जॉय कर रहे हैं। एंड बहुत दिन बाद सामी भाई लाइव परफॉर्मेंस किया अपना, आप उम्मीद करते हैं कि इसके बाद और बड़ा लाइव परफॉर्मेंस हो, कहीं अच्छी जगह पे हो और बड़ा जगह पे हो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे मौका मिलना चाहिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ऐसे लोग होना चाहिए जो मौका दे। कोलकाता में ये जो आर्टिस्ट है इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कोलकाता में अभी लास्ट 1-2 साल से सबको निकल रहे हैं, जैसे कि अभी इमरान भाई लोग आ गए, पहले मौज पे आएंगे बहुत पहले से, अभी हम 1 साल से मैंने भी स्टार्ट किया अपना ब्लॉगिंग करना, तो ये चीज़ थोड़ा सा लोगों को स्टार्ट करना चाहिए भाई। लोग बहुत लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग मत करो, क्रिएटर बनो ज़्यादातर। आप देख रहे हैं मोहल्ला में अड्डाबाजी करके या फिर कचड़ामू करके कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया अभी कोलकाता में, तो उन सब से फोकस हटा के आप हम लोगों का वीडियो देखिए या फिर हम लोग का तरह बनने का कोशिश कीजिए, अपने भी आप लोग भी वीडियो बनाइए। ऐसा कोई माँ का पेट से नहीं सीख के आता है, सब खुद मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, बस आप लोग भी लगाइए, वो गलत जगह से हटके सही रास्ते में शिफ्ट होइए। नशा पानी की जिनसे अच्छा वीडियो बनाओ यार, थोड़ा सा दिन भर में 1 घंटा निकालो, जॉब करो कुछ भी करो, वीडियो बनाना स्टार्ट करो। कोलकाता दिल्ली मुंबई से पीछे नहीं है, बस हम लोगों के लोग जो हम लोग बस उनको देखते दिन में बैठे दिल्ली मुंबई ये वो, थोड़ा कोलकाता के लोगों को सपोर्ट करो, हम लोगों को शेयर करो, सबको फॉलो करो। सब वीडियो देखता है, इतना लोग वीडियो देखते हैं हम लोग का, बट फॉलो नहीं करता। क्या फॉलो करेंगे भाई, अपना बगल में रहता है, अरे भाई बगल में तभी ना घूमते में रहते हैं, यहाँ पे फॉलो करो तब ना हम लोग और बड़े आगे बढ़ेंगे। तो बस ये मुंबई का कुछ इन्फ्लुएंसर लोग कितना कितना फॉलोवर्स है, व्यूज नहीं है, व्यू नहीं है, बट हम लोग का व्यू ज्यादा है, फॉलो नहीं है, तो आप लोग फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों का एक एक फॉलो हम लोगों को मोटिवेट करता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। लाइक अगर आप लोग का आता है, वो क्या बोला आपको, मतलब रात को नींद नहीं आता अगर अकाउंट का रीच गिर जाता है या फिर व्यू नहीं आता है, तो बहुत सीरियसली लेके बस आप लोग भी सीरियसली लीजिए हम लोग को। हाल तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, हम लोग चाह रहे कॉम्पिटिशन आए तो मजा आए, इम्प्रूव कर पाए हम लोग अपने एक दूसरे को, बट कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा ना करना क्या है। अभी जैसे कि आसपास में कुछ उतना खास है नहीं, ब्लॉगिंग आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग, तो मेरे को नहीं लगता है कि आसपास मेरे कोई भी अभी फिलहाल है कोलकाता में ब्लॉगिंग के हिसाब से। कॉमेडी में देखोगे तो आप मुश्किल से 3-4 चैनल है, मौज प्रैंक है, ये लोग हैं और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है। और रहा बात देखिए, जब आप बोले ना मुश्किल होता है कंटेंट बनाने में, जो चीज़ में आप फोकस कर लीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा, तो वो काम ना अपने आप होने लगता है कोई भी चीज़ में। ये सिर्फ वीडियो बोल के नहीं, अपना लाइफ में भी अगर आप सही डायरेक्शन में जाइएगा तो आप सही की तरफ ही जाइएगा, अगर रॉन्ग की तरफ जाइएगा तो रॉन्ग के, बस वो अपना काम में फोकस रखिए, वो आगे बढ़ते रहिए। आज कितना अच्छा लगा जो गैदरिंग आप लोग सब साथ में, बस भाई लोग मिलते रहते हैं अच्छा लगता है, मीटअप हो जाता है। आज हम लोग को जब जेड आई आते हैं बहुत मजा आता है हम लोग को, और अभी कोलकाता में हम लोगों को जो हिसाब का रिस्पेक्ट लोगों से मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोग के लिए। लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे नाम हो रहा है, बस ऐसे ही आप लोग बड़ा प्यार बनाते रखिए, हम लोग कंटेंट से आपको हंसाते रहेंगे। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, थैंक यू सो मच। आपको बताया पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइव इंडिया न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर दीजिए, ताकि जो अभी तो आप देख रहे हैं जो टीवी में जो मीडिया वाले लोग हैं पूरा बिग गया है, तो बस इन लोग को फॉलो कीजिए, ये लोग आपको सही खबर पहुँचाएंगे, इन लोग को ही देखिए, वो सब बंद कीजिए। ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ, एक सामी भाई का आज प्रोग्राम था। जेड आई कैफे इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए ऑलवेज फेमस है, अगर किसी को भी एक क्वालिटी टाइम अपना बिताना है तो जेड आई कैफे इज़ द बेस्ट चॉइस, हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम प्लस बहुत सारे रिनोन आपके इंस्टाग्राम जो करते हैं फॉलोअर्स लोग को अपने हीरो और आइडल से मिलने का भी मौका मिलेगा, जैसे कि
हम लोग के इमरान भाई हैं, सामीर भाई, इन लोग सब अवेलेबल रहते हैं यहाँ प्रोग्राम वगैरह में। सो जेड आई कैफे लोकेशन भी बोलिए बेस्ट है कि हम लोग का सेंट्रल कलकत्ता में एकदम पार्क सर्कस मैदान के पास ही है। तो ये इस तरीके से हम लोग के क्लिनिक जो लेडीज पार्क में है, मेरा लेडीज पार्क के पास, तो जब भी टाइम मौका मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जेड आई कैफे चलाते हैं। और जो ओनर है जफर भाई, एक हार्डली पर्सन है, ऑलवेज वार्म वेलकम। बादशाह भाई भी जो यहाँ पे वार्म वेलकम करते हैं हम लोग को, लगता ही नहीं है कि एक अलग पैसा, लगता है कि खुद का कैफे है। बहुत अभी अभी हम लोग ने खाया बेबी कॉर्न खाया है, हम आपको दिखाएंगे बेबी कॉर्न भी खाया है, और ये बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फूल है, तो बिल्कुल ही एक बार ट्राई करना चाहिए।